हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का फेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं आरआरबी जेई एएलपी टेक्नीशियन एंड एसएससी की रिक्रूटमेंट को लेकर के। दोस्तों, यहां पे एक गुड न्यूज़ आ रही है इन सभी रिक्रूटमेंट के लेकर के। एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ रहा है, जैसे कि मैंने आप सभी को मॉर्निंग में एक अपडेट दिया था, ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया था। दोस्तों, ये देख पा रहे हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट किया गया, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है माननीय अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। देख पा रहे हैं ये इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इन्होंने यहाँ पे उसे ट्वीट किया। दोस्तों, आप इस ट्वीट को देख सकते हैं और आज के पेपर में दोस्तों जी इसका आर्टिकल छपा हुआ है, आपको दोनों वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों उनका कहना है कि 3.5 लाख जो है वो नौकरियाँ दी गई हैं 2014 से 2022 के बीच में, और यहाँ पे जो एवरेज में अगर बात कर ले हैं 43,000 जो है वो एवरेज में एनुअली आपको ये दी जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ लगभग 1.5 लाख जो है वो एडिशनल जो है नई जो रिक्रूटमेंट है वो अंडर प्रोसेस है, मतलब वो आपके जो है भर्तियाँ जो है अंडर प्रोसेस में है, जल्दी आप सभी लोग को देखने को मिलने वाली है। इसमें दोस्तों जो वैकेंसी आएगी आरआरबी जेई की होगी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की होगी, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की होगी और टेक्नीशियन की भर्ती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लार्ज नंबर में भर्तियाँ हैं जो है, पद खाली हैं, इसको लेकर के जल्द ही ये रिक्रूटमेंट आने वाली है। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं इन्होंने जो है सर ने ट्वीट किया है, ये देखिए यहाँ पे एडिशनल न्यू रिक्रूटमेंट इन दिस प्रोसेस एट द स्टेड फास्ट, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये अंडर प्रोसेस है, जल्द ही आप सभी को उसको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको जो पेपर की कटिंग आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब दोस्तों ये पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हैं सरकार ने ली युवाओं की सुध, ठीक है। यहाँ पे देख पाए 10 लाख रोजगार जो है 10 लाख पदों पर केंद्रीय में 1.5 साल में होगी भर्ती, ठीक है, केंद्रीय विभागों में। आप सभी को बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसको देखते हुए दोस्तों ये भर्तियाँ निकालना स्टार्ट होने वाली हैं। तो अब जो है आप सभी लोग पास टाइम ज़्यादा है नहीं, आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से जो है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन लिखी गया, रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,663 भर्ती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है रेलवे ने ऐलान किया है अगले साल में 1,48,674 लोगों की भर्ती की जाएगी, जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसत 43,678 लोगों की भर्ती की गई है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो भर्ती आएगी, मैंने आप सभी को बता दिया है जेई एसएससी और अदर जो भी वैकेंसी हैं वो आप सभी लोग को देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कैंडिडेट हैं। बाकी जब इसका नोटिफिकेशन दोस्तों बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप लोग मान के चलिए ये आपका सितंबर, ठीक है, सितंबर एंड तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों जल्द ही आप सभी लोगों को अंडर प्रोसेस में है, तो जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से पद दोस्तों खाली हैं। और जो सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिसमें आपको बॉडी में अपडेट देता है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं, इसको लेकर के जल्द ही वैकेंसियों का अपडेट आप सभी लोगों को मिलने वाला है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा।